नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं द्रव्य गुण पेपर वन सिलेबस की जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो इसी पे आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे रस विज्ञानी के बारे में। तो इससे पहले हम द्रव्य गुण शास्त्र के बारे में बात कर चुके हैं, द्रव्य विज्ञानी के बारे में बात कर चुके हैं, गुण विज्ञानी के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे रसायनी के बारे में। इस वीडियो में अगर मैं आपको बता दूं तो हम कितना टॉपिक कवरअप करेंगे, हम इसका पूरा जो ये रस विज्ञानियम ये पूरा टॉपिक है इस वीडियो में हम इसको पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवरअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हम देखें रस के बारे में, तो रस विज्ञानी के बारे में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि रस शब्द की निरुक्ति किससे हो रखी है। हम एक एक चीज़ बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। तो अगर हम रस शब्द की निरुक्ति की बात करें तो जो रस धातु होती है उसमें अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है स्वाद या जायका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रस की व्युत्पत्ति के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो द्रव्य गुण शास्त्र है ना, उसमें रस शब्द का जो अर्थ लिया गया है वो लिया गया है रस इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए गए विषय से। देखिए, जो रस इंद्रिय द्वारा जो हम विषय ग्रहण करते हैं, रस इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए गए विषय को, जो स्वाद रस इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। रस इंद्रियों के अर्थ को हम क्या बोलते हैं, रस कहते हैं। हमारा कहने का अर्थ यहाँ पे ये था। तो अब हम बात कर लेते हैं परिभाषा की, रस की परिभाषा या लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए हमने एक ये टर्म दिया है रसनार्थ रस है, मतलब रस इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषय को रस कहते हैं, जैसे मधुर आदि रस, ठीक है। ये हम इसकी जो है डेफिनेशन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में रस का क्या अर्थ होता है, मतलब अलग अलग अर्थ क्या होते हैं रस शब्द के। तो अगर हम देखें अपने द्रव्यगुण शास्त्र के अंतर्गत, तो द्रव्यगुण शास्त्र के अंतर्गत क्या लिया गया, रसनार्थ है रस है, मतलब रस इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषय को रस कहते हैं। अब हम बात करते हैं औरों के एस्पेक्ट्स में, तो अगर हम बात करें रस शास्त्र के अंतर्गत जो रस शब्द का अर्थ क्या लिया गया है, पारद लिया गया है, क्योंकि पारद क्या करता है, पारद धातुओं रस महारस आदि का भक्षण करके उनकी शक्ति जो होती है वो स्वयं में आत्मसात कर लेता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं भैसज्य कल्पना के अंतर्गत, तो भैसज्य कल्पना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमने रस शब्द से क्या लिया है, सवरस लिया। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या है कि सवरस कैसे होता है, जो द्रव्य है उसको यंत्र में निष्पीड़न कर, मतलब दबाकर निचोड़कर जो रस निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सवरस कहते हैं। भैसज्य कल्पना में सवरस की डेफिनेशन दी गई। अब हम बात कर लेते हैं शारीर क्रिया या क्रिया शारीर विज्ञान के अकॉर्डिंग जो रस शब्द का अर्थ लिया गया वो लिया गया प्रथम धातु से, रस धातु से, ठीक है। तो हमने इन चारों के एस्पेक्ट में रस के अलग अलग अर्थ की बात की, पर द्रव्य गुण शास्त्र में हम क्या लेते हैं, रसनार्थ रस है, मतलब रस इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषय को रस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रस के पंचभौतिकत्व की, पंचभौतिकत्व का मतलब कि रस में पंच महाभूत की प्रधानता कैसे होती है और कैसे इनकी उत्पत्ति जो है पंच महाभूतों से हुई है, तो इस बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो रसों का पंच भौतिकत्व होता है, देखो हमने रस को क्या बोला था कि जो रस इंद्रिय द्वारा या जीवा के द्वारा ग्रहण किए गए विषय को रस कहते हैं, हमने ये बोला था ना। तो इसमें ये बोला गया है कि रस की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी और जल महाभूत से होती है, ठीक है। जो मेनली जो रस की उत्पत्ति होती है, इसमें हम पर्टिकुलर रस की बात नहीं कर रहे, इसमें हम टोटली रस की बात कर रहे हैं। तो रस की उत्पत्ति पृथ्वी और जल महाभूत से होती है, लेकिन जो अग्नि आकाश वायु महाभूत होते हैं वो भी निमित्त कारण होते हैं रस की उत्पत्ति में। तो रस क्या होता है, पंचभौतिक होता है। अब बात कर लेते हैं कि छह प्रकार के रस की उत्पत्ति कैसे होती है और उनके भौतिक संगठन के बारे में कि वो पंच महाभूत से कैसे उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम देखते, देखिए इसको लर्न करने की मेनली छोटी सी ट्रिक ये है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पंच भौतिकत्व देखते हैं। देखो जैसे कि मधुर जो होता है, मधुर रस की उत्पत्ति किससे होती है, पृथ्वी और जल महाभूत से।
अमल रस की उत्पत्ति होती है पृथ्वी और अग्नि महाभूत से, जल रस की उत्पत्ति होती है पृथ्वी और अग्नि से, वायु की उत्पत्ति होती है वो सॉरी कटु की उत्पत्ति होती है कटु रस की वायु और अग्नि से, तिक्त रस की उत्पत्ति होती है वायु और आकाश से, और कषाय रस की उत्पत्ति होती है वायु और पृथ्वी से। तो अगर हम देखें तो जो इनकी उत्पत्ति होती है वो पंचमहाभूत से ही होती है, इसलिए हमने रस को क्या बोला है, पंच महाभौतिक बोला है। अब हम कैसे याद करेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके लिए ट्रिक है कि आपको डायरेक्ट ये लिखना है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, आपको इस सीक्वेंस में लिखना है, ये अग्नि हो गया आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पृथ्वी और जल तो क्या बनते हैं, मधुर है। फिर अगर देखिए पृथ्वी से हम आगे बढ़ेंगे अग्नि की तरफ तो क्या बनेगा, अमल रस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ठीक है, पृथ्वी से जल की तरफ जाएगा तो मधुर रस, और अग्नि की तरफ पृथ्वी से अग्नि की तरफ जाएगा तो अमल रस, और जल फिर अग्नि की तरफ जाएगा, जल से अग्नि, जल और अग्नि महाभूत से मिलके क्या बनेगा, लवण, ठीक है, इसमें यही है लवण। तो ये आपको तीन रस इजीली याद हो गए। अब हम देखते हैं फिर बाकी के, अब बचे हैं कटु, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से चलना है वायु से थर्ड पे, तो क्या होगा, कटु रस, वायु से आकाश पे क्या होगा, तिक्त, और वायु से डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगे तो क्या बनेगा, कषाय रस, इसमें ये बताया गया, ठीक है। ये इसकी हमने आपको कोडिंग बता दी कि आपको कैसे याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं ऋतु और षड रस के बारे में। तो ऋतु और षड रस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए किस ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है, मेनली हमें ये बताया गया है इसमें। तो देखिए ऋतु कितनी होती है, छह होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो अगर हम देखें तो क्या होता है कि हमें कैसे याद करना है, तो मेनली हम इन सीक्वेंस को, ऋतु का तो यही सीक्वेंस रहता है, हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको नीचे से मधुर, फिर अमल को छोड़ के हमें लवण लिखना है ऐसे ही, फिर अमल, कटु, फिर तिक्त को छोड़ के हमें कषाय लिखना है, और फिर तिक्त, मतलब जो यहाँ से हमें सेकंड है, जो लास्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड दोनों का हमें सीक्वेंस क्या करना है, दोनों का सीक्वेंस चेंज कर देना है, इसमें हमने सिर्फ इतना किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रस व अनुरस की। तो रस क्या होता है और अनुरस क्या होता है, जो सूक्ष्म द्रव्य को हम जब जीवा पे सिर्फ स्पर्श करते हैं, जब कोई भी हमने सूक्ष्म द्रव्य ले लिया और उसको सिर्फ हमने क्या किया, स्पर्श किया अपनी जीवा पे, जिससे हमें जिस चीज की स्पष्ट प्रतीति होती है, जिस रस की स्पष्ट प्रतीति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और इसके अपोजिट क्या है, जैसे कि हमने कोई भी सूक्ष्म द्रव्य लिया उसको जीवा पे स्पर्श किया और उसे हमें क्या हुआ, अस्पष्ट या अव्यक्त, मतलब बिल्कुल ही नहीं हुई, या ईषत मतलब आधी हुई प्रतीति हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस, वो अनुरस कहते हैं, ठीक है। अब रस जो होता है वो प्रधान होता है और बिल्कुल स्पष्ट व्यक्त होता है, अनुरस क्या होता है, या तो आधा व्यक्त होगा या बिल्कुल ही व्यक्त नहीं होगा। और रस के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रतीति होती है वो प्रथम होती है, मतलब ये फर्स्टली हमें, जैसे हमने कोई भी द्रव्य लिया तो उसमें हमें इसकी प्रतीति सबसे पहले होगी, इसकी प्रतीति कब होती है, अंत में होती है, ठीक है। और ये सूक्ष्म अवस्था में भी स्थायी होता है, कोई भी द्रव्य है उसके अंदर जो रस है उसको हमने सूक्ष्म कर दिया, जैसे कि किसी भी द्रव्य को हमने सूक्ष्म बना दिया, उसके अंदर जो भी रस था तो वो रस उसका प्रेजेंट रहेगा सूक्ष्म अवस्था में भी। और जो अनुरस होता है वो आद्र अवस्था में ही सूक्ष्म स्थायी रहता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो तक्र है उसमें अमल जो रस होता है वो सबसे पहले हमें प्रथम प्रतीत होता है, तो वो क्या है, इसका रस है, ठीक है। और तक्र को हम क्या बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, छाछ बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो तक्र में जो तिक्त रस होता है वो क्या होता है, अनुरस होता है, क्योंकि उसकी प्रतीति लास्ट में होती है, अंतिम होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे षड रस, रस के लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो छह रस हमने बताया, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो इनके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लक्षण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मधुर रस के सेवन से किस चीज़ की उत्पत्ति होती है, किस दोष की उत्पत्ति होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम इसको
अच्छे से रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी इजिली कोडिंग भी बता दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं मधुर रस के बारे में। तो मधुर रस का जब हम सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, इंद्रियों का प्रसादन होता है, तर्पण होता है, कफवर्धक होता है, वातपित्त शामक होता है, और मुख में क्या करता है, स्नेहन का कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अमल रस के बारे में। तो अमल रस के बारे में अगर हम बात करें तो अमल रस का सेवन करने से दंत में हर्ष होता है, मुख में लाल स्राव होता है, मुख में शोधन होता है, रुचि उत्पन्न करता है, और जीवा में रुचि करता है, और मुख और कंठ में दाहक उत्पन्न करता है। ये हो गए अमल रस के लक्षण। अब हम बात करते हैं लवण रस के लक्षण के बारे में। तो लवण रस का जब हम सेवन करते हैं तो वो क्या करेगा, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है और मुख में जलन उत्पन्न करता है, दाह, और ये जल्दी घुल जाता है और क्लेदक होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कटु रस के बारे में। तो कटु रस के बारे में अगर हम बात करें तो कटु रस का सेवन करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जलन होती है, मुख आँख नाक से स्त्राव उत्पन्न होने लग जाता है, और स्पर्श मात्र से ही उत्तेजक होता है। जैसे कटु आप काली मिर्च ले सकते हैं, तो आप जब उसका सेवन करेंगे तो उसका लक्षण आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके लक्षण लिखने हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं तिक्त की। तो तिक्त रस का सेवन करने से मुख का शोधन होता है, गले व कंठ का शोधन होता है, अरुचिकार होते हुए भी रुचिकार होता है। ठीक है, तिक्त रस का जब हम सेवन करते हैं तो क्या होगा, मुख का शोधन हो जाता है, गले व कंठ का, जैसे शुंठी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पटोल तिक्त रस होता है उसके अंदर। तो तिक्त रस का सेवन करने से मुख का शोधन हो जाता है, गले व कंठ का शोधन हो जाता है, मतलब स्वच्छ हो जाता है, अरुचिकार होता है लेकिन रुचिकार होता है, मतलब अरुचिकर होता है लेकिन फिर भी रुचिकर लगता है, और इसको बिल्कुल स्पर्श मात्र से ऐसे लगता है जैसे हमारे स्वाद की जो शक्ति है वो नष्ट हो चुकी है बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कषाय के बारे में। कषाय जैसे कि आप हरित की ले सकते हैं, तो कषाय रस का सेवन करने से क्या होता है, स्तंभन जड़ता उत्पन्न कर देता है, बिल्कुल मतलब कशाला होता है। तो जब हम इसका सेवन करते हैं तो मुख में ऐसा हो जाता है जैसे जड़ता हो गई है, मुख में गुरुता व कंठ में संकुचता उत्पन्न करता है, और हृदय में पीड़ा व कर्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, ये आपके हो गए। अब षडरस के गुण व कर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो फर्स्टली हम सीक्वेंस पढ़ के आ गए हैं, हमें रसों का भौतिक संगठन लर्न होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इनके गुण बिल्कुल ईजिली लिख सकते हैं। तो इनके गुण को लिखने के लिए मेनली आपको देखना पड़ेगा कि ये किस महाभूत से बने हुए हैं। जैसे कि देखिए, जो मधुर रस होता है वो पृथ्वी और जल महाभूत से बना हुआ होता है। तो पृथ्वी महाभूत कैसा होता है, गुरु होता है, ठीक है, स्नेहन का कार्य करता है। जल क्या होता है, स्नेहन और शीत गुण होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बहुत ईजिली लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अमल के बारे में। बात करें, अमल भी स्निग्ध होता है पृथ्वी महाभूत के कारण, और अग्नि कैसी होती है, लघु होती है और ओषण होती है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे लवण रस के बारे में। तो लवण में क्या होता है, जल और अग्नि होती है, तो ये क्या करता है, क्लेदन का कार्य करेगा जल, ठीक है, और अग्नि क्या करेगी, ऊष्ण और तीक्ष्ण हो गए। अब वायु के बारे में बात करें तो वायु कैसे होते हैं, रुक्ष होती है, और अग्नि कैसे होते हैं, ऊष्ण और लघु। तिक्त के बारे में बात करें तो ये वायु और आकाश से बना हुआ होगा, तो वायु के बारे में बात करें तो वो कैसे होते हैं, रुक्ष होती है, ठीक है, आकाश कैसा होता है, खर होता है, ये हो गया, खर होता है, शीत होता है और लघु होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कषाय रस के बारे में। तो वो क्या होता है, पृथ्वी और वायु महाभूत से बना होता है, वायु कैसे होते हैं, शीत होता है, वात का गुण क्या है, शीत, ठीक है, और पृथ्वी कैसी होती है, गुरु होती है। अब इसके लिए आपको याद रखने के लिए आपको मेनली कुछ भी जानना है तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, मधुर लवण और कषाय कैसे होते हैं, गुरु गुण के होते हैं, और अमल कटु तिक्त कैसे होते हैं, लघु होते हैं, बस आप इससे याद रख सकते हैं अगर आपको कोई भी गुण ना याद रहे तो। अब बात कर लेते हैं रसों के कर्म के बारे में। तो ये क्या कर्म करते हैं, तो मधुर रस क्या करता है, कफ को बढ़ाता है, वातपित्त का शामक होता है। इसके लिए भी एक ईजी ट्रिक है, एक बार हम इन्हें सब एक एक करके देख लेते हैं, फिर हम इसके ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मधुर रस क्या करता है, कफ को बढ़ाता है, वात और पित्त को डिक्रीज करता है। अमल रस क्या करता है, पित्त और कफ का वर्धक होता है, वात शामक होता है। लवण रस क्या करता है, पित्त और कफ का वर्धक होता है और वात का शामक होता है। कटु रस क्या करता है, वात पित्त वर्धक होता है, कफ का शामक होता है। और तिक्त रस क्या करता है, वात को बढ़ाता है और पित्त और कफ को कम करता है। और कषाय रस क्या करता है, वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को कम करता है। देखिए इसके बारे में हम देखते हैं,
मलकर्ण देख लेते हैं एक बार। इसके जो मधुर अमल लवण होता है वो सेवन मूत्र मारुते, और कटु तिक्त कषाय का मलकर्ण क्या होता है, बद्विन मूत्र मारुते। अब इसके धातु कर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो धातु कर्म का आपको डायरेक्टली रिलेट करना है, जैसे कि देखिए मैं आपको वो ट्रिक बता देती हूँ जो मैंने अभी रस के बारे में बतानी थी, मैंने बोला था। तो एक बार हम देख लेते हैं, रस है हमारे पास मधुर अमल लवण, ठीक है, कटु तिक्त कषाय, ये 6 रस है। तो मधुर अमल लवण क्या करेंगे, कफ की वृद्धि करेंगे और वात को डिक्रीज करेंगे। इसके अपोजिट जस्ट जो बाकी के 3 बचेंगे वो क्या करेंगे, कफ को डिक्रीज करेंगे। ऐसे ही वो 3 कफ को वो वात को डिक्रीज कर रहे थे तो वो क्या करेंगे, वो वात को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कफ और वात के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अमल रस के बारे में। तो मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय, ये हो गए हमारे 6 रस हो गए। अब देखिए अमल लवण और कटु, अमल लवण और कटु क्या करेंगे, ये 3 पित्त को इंक्रीज करेंगे और बाकी के 3 क्या करेंगे, पित्त को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पित्त के। अब हम बात कर लेते हैं धातु कर्म के बारे में। तो धातु कर्म मधुर रस क्या कर रहा था, कफ की वृद्धि कर रहा था, तो कफ क्या करता है, धातुओं की वृद्धि करता है। ठीक है, अमल क्या करेगा, धातु को डिक्रीज करेगा क्योंकि पित्त की वृद्धि हो रही है। लवण क्या करेगा, कर्षण करेगा, और कटु क्या करेगा, बल को डिक्रीज करेगा। तिक्त क्या करेगा, लेखन का कार्य करेगा। कषाय क्या करेगा, लेखन का कार्य करेगा। लेखन का कार्य क्या होता है, जो हमारे स्रोतों में जो मतलब एक टाइप से कर्षण करना, ठीक है, लेखन ये बोल सकते हैं, स्रोतों में चिपके हुए कफ को निकालना। अब बात कर लेते हैं रस उपलब्धि के साधन के बारे में। तो रस उपलब्धि के साधन के बारे में अगर हम बात करें तो रस उपलब्धि होता क्या है मेरे लिए, अगर हम वो देखते हैं। अब रस उपलब्धि के बारे में मतलब रसों का ज्ञान प्राप्त करने के साधन बताए गए हैं कि भाई कोई भी रस है, कोई भी द्रव्य, उसमें हमें रस का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है। तो रस का जो ज्ञान होता है वो उसके 3 साधन होते हैं उसको पता लगाने के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश। तो हम इन 3 को एक एक करके डिस्कस करते हैं, और इन 3 के द्वारा ही हमें क्या होता है, रस का ज्ञान होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम क्या पढ़ते हैं, रसो निपात है द्रव्यानाम, मतलब जो द्रव्य होता है उसके स्पर्श मात्र से जिस रस की हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। कि हमने किसी भी द्रव्य को लिया और उसका जो है हमने उसकी उसको जीवा पर स्पर्श किया, जिससे हमें उसके रस का ज्ञान हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या हुआ, कि हमने किसी भी द्रव्य का सेवन किया और उसने हमारे शरीर में जाकर क्या कार्य किया, जैसे कि उसने कफ की वृद्धि की तो उसके अंदर क्या रस हो सकता है, मधुर अमल लवण। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाते हैं। जैसे कि देखिए जो स्वर्ण धातु होती है वो ब्रीहण का कार्य करती है, तो उसे देखकर हमें लगता है कि इसमें कषाय या मधुर रस होगा। ठीक है, और अनुमान प्रमाण से हमें क्या पता चलता है, रस का विशिष्ट ज्ञान होता है, मतलब वो क्या कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं आप्तोपदेश के बारे में। तो आप्तोपदेश के बारे में बात करें तो आप्तोपदेश से हमें किसका पता चलता है, अनुरस व अव्यक्त रस का, मतलब जो हमारे आप्त पुरुष कह के गए हैं कि भाई, जैसे कि चरक संहिता में लिखा हुआ है कि इसका रस, इस द्रव्य का रस ये होता है। जैसे कोई भी द्रव्य है उसका रस हमें पता होगा पहले से, जैसे कि आमले की का हमें पता है कि जो इसका रस होता है वो अमल होता है, लेकिन हमने उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से भी देखा है और उसके कर्मों को भी, जैसे हमने देखा कि वो अमल पित्त में काम आता है आमले की, तो हमने उसके कर्मों को भी देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो स्वर्ण धातु है वो मधुर और कषाय रस का ज्ञान हमें किससे हुआ था, आप्तोपदेश से, जो हमारे आप्त पुरुष बताकर गए थे। लेकिन जो स्वर्ण धातु होती है उसके कर्मों को देखकर भी इसकी पुष्टि हो जाती है कि ये मधुर और कषाय रस का ज्ञान हो जाता है, मतलब हमें। ठीक है, तो आप्तोपदेश के द्वारा हमें क्या होता है, रस का प्रायोगिक ज्ञान होता है कि मतलब कैसे प्रयोग करना है, प्रयोग करने के बाद उसका क्या होता है। अब रस स्कंद के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये भी 6 होते हैं, जो मधुर रस से बने हुए मधुर स्कंद, अमल स्कंद, लवण स्कंद,
कटु स्कंद, तिक्त स्कंद, कषाय स्कंद। अब बात कर लेते हैं, जो अगर हमने रस का सेवन अति मात्रा में कर लिया तो उससे हमें क्या क्या व्याधियाँ होगी। जैसे कि हमने मधुर रस का सेवन कर लिया तो मेनली मधुर क्या करता है, कफ को इंक्रीज करता है, पित्त और वात को घटाता है। तो कौन सी व्याधियाँ करेगा, कफज व्याधियाँ करेगा। तो देखिए कौन कौन सी, जैसे कि स्थूल्य, ओबेसिटी, आलस्य, अति निद्रा, गौरवता, अंगमर्द, भोजन में अरुचि, जठराग्नि का मंद होना, कास वास, प्रतिक्षाएँ, कफज रोग, नेत्र रोग, उदर रोग, प्रेमे। ये सारी जो व्याधियाँ है ना, वो सभी व्याधियाँ किससे बनी हुई है, वो किसकी है, कफज व्याधियाँ। जैसे कि देखिए, ओबेसिटी, आलस्य, अति निद्रा, गौरवता, अंगमर्द, ठीक है, जठराग्नि, मंद होना, ये सब कास वास, प्रतिक्षाएँ, ये कफज रोग है ये सभी। नेत्र रोग, ठीक है, उदर रोग, प्रेमे, ये सारी व्याधियाँ क्या है, कफज व्याधियाँ। तो आप इससे रिलेट करके इजिली, बिल्कुल ईजिली आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अमल रस के बारे में। तो अमल रस में क्या क्या होता है, दंत अर्श होता है, रक्तज रोग होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, पित्त की इंक्रीजमेंट होगी, पित्त बढ़ता है तो रक्त दूषित होता है, तो रक्तज दोष होंगे, पित्तज रोग होंगे, ऊषण होगा, दाह होगा, पासा का मतलब बार बार प्यास लगना, विदा का मतलब जलन, विसर्प, ये होते हैं स्किन डिजीज, पांडु, पीलिया मतलब कंडू, खुजली, ब्रम, रुचिकारक, और नेत्र में सम्मीलन मतलब आँखों में जलन होना, ये सब किसके होंगे, ये पित्तज रोग है मेनली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लवण रस के सेवन से कौन कौन सी व्याधियाँ होगी। तो खा लेते हैं, पा लेते हैं, रक्तज रोग, ताप, रक्त पित्त, विसर्प, ओजस्य, मूर्छा, तृष्णा, भोजन में रुचि उत्पन्न करना, कफ पित्त वृद्धि और वात शामक। अब इनको रिलेट करके देखते हैं, हमने लवण रस क्या कर रहा था, पित्त की वृद्धि कर रहा था, ठीक है। तो उसे क्या होगा, बालों का मतलब उड़ना, गंजा होना, या बालों का सफेद होना, रक्तज रोग, ये सभी पित्तज रोग है, ठीक है। ताप, ठीक है, ज्वर, विसर्प, ओज का क्षय होना, मूर्छा, तृष्णा, भोजन में रुचि, ठीक है, कफ व पित्त वर्धक होता है, और वात शामक होता है, ये हो गए इसके लवण रस के अति सेवन से व्याधियाँ। अब हम बात कर लेते हैं कटु रस से क्या होगा, ये वात वात को बढ़ाता है और पित्त को भी बढ़ाता है। तो बलक्षय, कंठ में दाग, कंपन आना, ये क्या, वातज रोग है, आना भी, फ्लेक्चुएंस बोलते हैं इसे, शूल, पेन मतलब वमन, गलानी, शरीर का झुकना, पिपासा, तम, भ्रम, कंठ, तालु, ओष्ठ का सूखना, तो ये सब क्या है, ये वातज और पित्तज व्याधियाँ हैं। आप इसमें सारी वातज और पित्तज व्याधियाँ लिख के भी आप इसको रिलेट करके आ सकते हैं। तिक्त में केवल क्या होगा, तिक्त में वातज व्याधियाँ होगी, तो बलक्षय, सर, धातु का शोषण होना, श्रोतों में रुक्षता, बलक्षय, कृशता, ठीक है, मुख का स्वाद खराब होना, अंगों में जकड़ाहट, सिर शूल, ये सब क्या होगी, तिक्त रस से जो व्याधियाँ उत्पन्न होगी। अब हम बात कर लेते हैं कषाय रस के बारे में। तो कषाय रस से क्या होगा, मुख का शोषण होगा, मुख का सूखना, कृशता, हृदय पीड़ा, लेखन, बोलने में असमर्थता, क्योंकि व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसका बल क्षीण होने लग जाता है, धातु क्षय, कंपन, आदमान, आदमान भी ये वातज रोग है, आना भी वातज रोग है, ठीक है, उदर शूल, श्रोतों में अवरोध, वायु रुक जाएगी, आटोप। अब हम बात करते हैं रस के वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए, पूरा जो जगत है उसको हमने दो वर्गों में विभाजित किया है, सौम्य और आग्नेय। तो इसी प्रकार हमने जो रस को भी है दो वर्गों में विभाजित किया है, सौम्य और आग्नेय, ठीक है। तो सौम्य रस कौन कौन से होते हैं, तिक्त, कषाय और मधुर को हमने सौम्य रस में रखा है, और आग्नेय में हमने किसको रखा है, अमल, लवण और कटु रस को। तो आप कैसे याद कर सकते हो, आप आग्नेय के याद कर सकते हो, कैसे, कल, कल से आपको याद हो जाएगा, कल से आपको याद हो जाएगा आग्नेय रस कैसे होंगे, कैसे, कैसे कटु, ऐसे अमल, लैसे लवण, ठीक है, तो कल से आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं विदाई और अविदाई में। तो विदाई क्या होते हैं, जो जलन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो वो कौन से होंगे, कटु, अमल, लवण, ठीक है, जो पित्त की वृद्धि करेंगे, और अविदाई कौन से होंगे, तिक्त, कषाय, मधुर, ठीक है। अब गुण भेद से बात करते हैं, तो गुण भेद से हमने देख लिया, जो मधुर होगा वो गुरु होगा, अमल स्निग्ध होता है, लवण ऊषण होता है क्योंकि पित्त की वृद्धि करता है, कटु लघु होता है क्योंकि वायु होती है, तिक्त भी शीत होता है, कषाय भी रुक्ष होता है क्योंकि इसमें वायु के गुण होंगे, इसलिए तो ये वात की वृद्धि कर रहे हैं। देखो, हम क्या कंसेप्ट पढ़ते हैं, हम शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही ये पढ़ते आते हैं, सामान्य वृद्धि कारकम, मतलब जो सामान जो सेम होते हैं समान, वो वृद्धि कारक होते हैं, और विशेषत्व हाशय प्रवर्तय रूपक्षय, मतलब
कि जो अलग अलग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि जो अपोजिट होते हैं, देखो जो वायु के समान गुण का सेवन करने से वायु की वृद्धि होती है, तो कहीं ना कहीं उस रस का सेवन कर रहे तो उसमें वायु के गुण होंगे ना, तभी तो वो बात की वृद्धि कर रहा है। तो आपको इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना। अब हम आगे बात करते हैं रसों के वर्गीकरण के बारे में ही बात कर रहे थे हम। तो हमने थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात कर लिया था गुण बेस से, अब हम बात करेंगे विपाक बेस से। तो आपको पता है कि विपाक 3 तरह के होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। तो जैसे कि हम देखें, जो मधुर विपाक होता है वो मधुर और लवण रस का होता है, और अम्ल विपाक केवल अम्ल रस द्रव्य का होता है, कटु तिक्त कषाय रस का जो विपाक होता है वो कटु होता है। आप ये विपाक वाले अध्याय में पढ़ेंगे, त्रिविध विपाकवाद में आप पढ़ेंगे कि जो मधुर और लवण रस होता है उसका मधुर विपाक होता है, जो अमल अमल द्रव्य होते हैं उनका कैसा विपाक होता है, अमल होता है, और कटु द्रव्यों का कटु तिक्त कषाय विपाक होता है। अब हम बात कर लेते हैं वीर्य के बारे में। वीर्य वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार के भी होते हैं, तो यहाँ पे हम केवल शीत और उष्ण वीर्य के बारे में बात करेंगे। जो सौम्य होते हैं, सौम्य का मतलब शीत ही होता है एक टाइप से, ठीक है। तो वीर्य, उनका वीर्य कैसा होगा, शीत होगा। आग्नेय का कैसा होगा, उष्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्म बेस से। तो जो ट्रिक हमने आपके साथ डिस्कस की थी, हम पीछे डिस्कस करके आए थे मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय कि किस दोष की वृद्धि करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे